इकाई के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू 1988 के रोड रेस केस में शुक्रवार को पटियाला के एक स्थानीय कोर्ट में सरेंडर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सिद्धू को इस मामले में 1 साल जेल की सजा सुनाई। जेल में रहने के दौरान सिद्धू को 3 माह तक कोई वेतन नहीं मिलेगा। सिद्धू ने टीवी पर अपने कई शो के दौरान और एक क्रिकेटर के रूप में लाखों कमाए, मगर पंजाब जेल मैनुअल के मुताबिक कमाई शुरू करने से पहले सिद्धू पटियाला सेंट्रल जेल में 3 माह तक बिना वेतन के काम करेंगे। सिद्धू को उसी पटियाला सेंट्रल जेल में रखा जाएगा जहां उनके कट्टर प्रतिद्वंदी व नशीले पदार्थों के मामलों में मुकदमा झेल रहे अकाली नेता विक्रम अजैठिया कैद है। जेल मंत्री हरजोत सिंह बैस ने कहा है कि हमने जेलों में VIP कल्चर को पहले ही समाप्त कर दिया है। सभी कैदी समान परिस्थितियों में रहते हैं और जेल नियमावली के मुताबिक सुविधाएं दी जाती हैं। नवजोत सिंह सिद्धू या किसी और के लिए भी ऐसा ही होगा। अपने रंगीन ड्रेसिंग सेंस के लिए मशहूर सिद्धू को सफ़ेद कपड़े भी पहनने होंगे, जो पंजाब के जेलों के अंदर सभी दोषियों के लिए अनिवार्य है। जेल के नियमों के मुताबिक कठोर कारावास की सजा पाए सिद्धू को अकुशल, अर्धकुशल या कुशल कैदी के तौर पर वर्गीकृत करने से पहले बिना वेतन के 3 माह तक प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद उनकी श्रेणी के आधार पर 30 रुपये से 90 रुपये रोजाना के बीच कमाई होगी। दोषी अपराधी दिन में 8 घंटे काम कर सकते हैं और उनकी कमाई सरकार द्वारा वहन की जाती है। 25% कमाई जेल मुद्रा के रूप में होती है, 75% बचत खाते में डाल दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।